सरोकार। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर दुनिया के कई देशों ने भारत को दी बधाई। पीएम मोदी ने सभी राष्ट्राध्यक्षों का जताया आभार। नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार के बीच बीजेपी की दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग, कोर कमेटी के बड़े नेता शामिल। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का केंद्र पर हमला, कहा राज्यों को कमजोर कर रही सरकारें शक्ति हथियाने में जुटी। केंद्रीय मंत्री गजराज सिंह बोले कांग्रेस परिवारवाद की जनक नीतीश कुमार का तेजस्वी से कंपटीशन। टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, जिम्बाब्वे सीरीज से बाहर हुआ वाशिंगटन सुंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। इसी मौके पर सीएम योगी और डिप्टी सीएम के साथ कई गणमान्य लोगों ने अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक की गई, जिसमें 16 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। साथ ही यूपी सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस नगर विकास के कई प्रस्ताव पर मुहर लगी और लखनऊ के कुकरेल में नाइट सफारी प्रस्ताव पर भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही रामपुर में नए फायर स्टेशन और जेल मैथ्यूअल को कैबिनेट में मंजूरी मिली। देवरिया में कचहरी चौराहे से होते हुए सुभाष चौक तक 100 मीटर लंबा तिरंगा यात्रा निकाली गई। जानकारी के मुताबिक काफी संख्या में युवाओं ने विवेक मिश्रा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में रामलीला मैदान में इस तिरंगे यात्रा को निकाला और इसी के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने देवरा बाबा के दर्शन भी किए। इस यात्रा में मुख्य रूप से यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कनिष्क पांडे शामिल हुए। यह बाबा की पावन भूमि है, देवरा की पावन भूमि है, जहाँ पर हमारे भारत के नौजवान चंद्रशेखर से लेकर के और जितने देश को आज़ाद करने वाले नौजवान जिस थे देवरा के चरणों में, उस समय कालांतर में ऐसा इतिहास आता था, वो भी काना से बाबा के चरणों का आशीर्वाद लेते थे। अतः राम जी की इच्छा से इस धरती से शुभकामना है कि हमारा देश, हमारे भारतीय संस्कृति के गौरव को रक्षा करने वाले जो नौजवान हैं, इनके अंदर उत्साह बना रहे। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर एक अनोखी पहल की। रामगढ़ ताल के नौका विहार में 15 अगस्त को शाम को अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहां पर जुटे 1,00,000 से अधिक लोगों ने हाथों से तिरंगा लेकर राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया। इस मौके पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर समेत कई अधिकारीगण मौजूद रहे। लखनऊ में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बाजारखाला थाना क्षेत्र के वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है। पुलिस ने वीडियो को लेकर प्रेस नोट जारी किया और कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से आधी अधूरी वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई है। मामले को स्पष्ट करने के लिए जारी किए गए वीडियो में देखा गया कि बच्चे और शिक्षक एक मंच कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसमें सर से भारत माता का मुकुट हटाकर नमाज पढ़ाना बताया गया है। उस वीडियो के संबंध में जांच की गई तो पाया गया कि उक्त वीडियो शिशु भारतीय विद्यालय मालवीय नगर थाना बाजार कला का है।
लखनऊ में पारा बुद्धेश्वर और दुबग्गा ऑटो टेम्पो स्टैंड राहगीरों के लिए मुसीबत बन गया है। पारा पुलिस स्टैंड हटवाने में असमर्थ नेताओं का स्टैंड माफियाओं पर संरक्षण रहता है। दरअसल ऑटो स्टैंड अवैध रूप से लगाने की वजह से पीजीआई में एक ऑटो ड्राइवर की हत्या हो गई थी। इससे नाराज होकर लखनऊ कमिश्नर ने पीजीआई कोतवाल और सीओ कैंट को हटा दिया। इसके बावजूद भी पुलिस इन ऑटो स्टैंड वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। खबर गोंडा से, जहां नेपाली भारत मैत्री को मजबूत करने के लिए नेपाली युवक पदयात्रा निकाली। जानकारी के मुताबिक 6 अगस्त को नेपाल ने वजीरगंज से चलकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर युवक गोंडा पहुंचा। इसके बाद युवक को बहराइच सीतापुर के रास्ते दिल्ली संसद भवन तक का सफर तय करना है। बिजनौर के गरीब परिवार को तिरंगा झंडा बांटने पर धमकी मिली। सिर कलम करने का धमकी भरा पत्र मिलने से पूरा परिवार दहशत में है। जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर कोई जश्न में डूबा हुआ है, वहीं पुलिस प्रशासन ने परिवार के घर पर सुरक्षा मुहैया करा दी है। साथ ही अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की कई टीमें जाँच पड़ताल में जुटी हुई हैं। कस्बा व थाना किरतपुर में एक व्यक्ति के घर पे पेन से लिखा हुआ एक कागज चिपका हुआ मिला, जिसमें उसको घर घर तिरंगा बांटने के संबंध में धमकी दी गई थी। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके घर पर यह पत्र चिपका था उसको पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करा दी गई। बदायूं में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग की तरफ से बदायूं डिपो को 2 नई बसों की सौगात मिली। राज्य मंत्री संजय गंगवार ने बदायूं क्लब से लखनऊ के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हाल ही में 2-3 दिनों पहले बदायूं को 2 नई बसें प्राप्त हुई थी। इन दोनों नई बसों को उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर, एक बस चौधरी बदन सिंह एक्सप्रेस सेवा के नाम पर और दूसरी बस कुंवर रुकुम सिंह एक्सप्रेस सेवा के नाम पर बदायूं लखनऊ संचालित की गई हैं। इसका आज उद्घाटन कराया गया। यह बस सवेरे 6 बजे बदायूं से लखनऊ के लिए जाएगी और वहां से 2:30 बजे लखनऊ से ये वापस बदायूं के लिए आएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बुलेटिन बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।